तो हाय गाइस, पिछले वीडियो में हमने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के अलाइनमेंट इनके बारे में देखा था। अब इस वीडियो में हम स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग इन तीन मेन्यू के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टाइल मेन्यू के बारे में देखेंगे। तो स्टाइल मेन्यू में है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल्स स्टाइल्स। ये जो तीन ऑप्शन है, ये तीन सब मेन्यू है होम मेन्यू के। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखेंगे। इसमें क्या है, इसमें आप कुछ ऐसे रूल होते हैं जिनकी मदद से आप अपने जो टेबल है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि उसके कंडीशन अनुसार उसे हाईलाइट कर सकते हैं, यानी कि आपका जो क्लाइंट है उसे आप बता सकते हैं कि इसमें ये इतने बड़े वैल्यू है, इतने इतने छोटे वैल्यू है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हाईलाइट सेल्स रूल है, टॉप बॉटम रूल है, डेटा बार्स है, कलर स्केल है, आइकॉन सेट है। हम इन सबको इन डिटेल में देखेंगे। तो हाईलाइट सेल्स रूल में हम सबसे पहले ग्रेटर दैन चूज़ करते हैं। इसमें क्या है, तो ये ग्रेटर दैन क्या करता है, अगर हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होंगी हमारे कंडीशन के ऊपर की, जो हम उसको कंडीशन देंगे उसके ऊपर की अगर कोई बड़ी वैल्यू होंगी तो उसे ये हाईलाइट कर देगा। तो देखिए आप, ग्रेटर दैन में यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 32,500 है, आई गेस आपको दिख रही होंगी ये वैल्यू। तो हम यहाँ पे सिंपली 30,000 कर देते हैं। तो देखिए ये जो 30,000 के ऊपर के जो भी सब वैल्यू है वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है। आप इसे रेड कलर, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रेड कलर आता है, आप इसे येलो भी दे सकते हैं, ग्रीन कलर भी दे सकते हैं। और अगर मैं इसे ओके कर देता हूँ तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गई है। तो ये तो सिर्फ हमारे चार वैल्यू है, इसलिए आपको लगता होगा कि हम तो इसे मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपका जो बिग डेटा है वो अगर आपको एनालाइज करने के लिए दिया जाए तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन कंडीशन में ये बहुत काम आता है। आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू को सिंगली रिपीट टू एडिट नहीं कर सकते, इसलिए आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है लेस देन, ये भी उसी तरह काम करेगा। यहाँ पे ग्रेटर देन था तो वहाँ पे लेस देन, यानी कि उस वैल्यू के कम जो भी वैल्यू होंगी उसे वो हाईलाइट कर देंगे, यानी 32,000 के जो नीचे वैल्यू है उन सभी को इसने रेड कर दिया है। देखिए आप, इसके बाद है बिटवीन का। बिटवीन में यानी कि आप दो वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे 25 से स्टार्टिंग है और 40 पे एंडिंग है, तो हम देंगे 26,000 और 32,000। इनके बीच जो भी वैल्यू होंगी उसे ये येलो कर देगा, ओके कर देगा। तो यहाँ पे हमने तो थोड़ा रॉन्ग सिलेक्ट भी नहीं किया था, पहले सिलेक्ट कर देते हैं फिर बिटवीन डाल देते हैं येलो कलर। तो देखिए 28,750 के ऊपर की वैल्यू और 36,250 के नीचे की वैल्यू जो भी होंगी उसे ये येलो कर देगा। तो देखिए यहाँ पे ये येलो हो चुका है, 30 और 35,000 इनके बीच आते हैं तो इसलिए इन्होंने इसे येलो कर दिया। अब इसी की तरह इक्वल टू, टेक्स्ट एंड कंटेंट, डेटा ऑकरिंग्स, डुप्लीकेट वैल्यू, ये एक ही है। आपको ये समझ में आ जाएगा आप अगर इसे ट्राई करेंगे तो ये इक्वल टू, यानी कि 30,000 अगर वैल्यू होंगी तो उसका कलर कौन सा होगा, इसकी रेड बॉर्डर होंगी, सॉरी मैंने सिलेक्ट नहीं किया ये। इसके सेम वैल्यू नहीं है, हमें 32 नहीं, हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू देनी होगी। 32 यहाँ पे मैं 25,000 कर देता हूँ, 25,000 को ये रेड बॉर्डर कर देंगे। ओके, देखिए इस 25,000 को रेड बॉर्डर आ गए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किए गए सभी नंबर में। अब इसके बाद है ये इक्वल टू, टेक्स एंड कंटेन, ये आपको थोड़ा सा समझ लेना होगा। अब है टॉप और बॉटम रूल्स, तो पहले मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। अब देखते हैं टॉप 10 बॉटम रूल,
टॉप 10 आइटम उसे रेट कर देगा। अगर मैं 4 के नीचे लेके जाओ तो ये फिर सिर्फ 3 आइटम को रेट कर देगा, फिर 2 हाईलाइट कर देगा, फिर 1 हाईलाइट कर देगा। यानी कि ये कंडीशन है, उसके ऊपर के जो उसके नीचे की जो सबसे छोटी वैल्यू है उनको ये डार्क कर देगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब ये टॉप 10 के ऊपर की यानी परसेंट में अगर कोई ऊपर है तो उससे ये हाईलाइट कर देंगे। अब इसके बाद है डेटा बार्स, ये जो टॉप 10 बॉटम है ये सभी टॉप 10 आइटम और टॉप 10 परसेंट के जैसे ही है। आप इसे अगर प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब दूसरा है डेटा बार्स, तो यहाँ पे आप जो टेबल मैंने सिलेक्ट किया है इसमें अगर आपको हर एक सेल में उसका परसेंटेज है उसका डेटा बताना है वो कितना है कितना परसेंट है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर भी है, सॉलिड कलर भी है। हम यहाँ पे ग्रेडियंट यूज़ करेंगे, मैं पे ग्रीन कर देता हूँ। देखिए तो उस वैल्यू के हिसाब से ये उस सेल को कवर कर ले रहा है, यानी कि ये 35,000 मीन्स इस सेल का इतना कम है और इतना फिल है, तो ये यूज़र को कन्वीनियंट हो जाता है उसको ध्यान में आने के लिए। अब कलर स्केल है, तो जैसे आपने यहाँ पे डेटा बार्स यूज़ किया आप वहाँ पे कलर स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर उसके परसेंटेज के हिसाब से देखिए, अगर यहाँ पे ग्रीन कलर देना है आपको एटमोस्ट टॉप वैल्यू को तो आप ग्रीन कलर दे सकते हैं, रेड कलर देना है तो आप रेड भी दे सकते हैं, अगर जो सबसे बड़ी वैल्यू होंगी तो उसको रेड कलर दे देगा। आप देख सकते हैं जो 40,000 है वो रेड हो चुके हैं और 25,000 है ये ग्रीन हो चुके हैं। अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा अपोजिट हो जाएगा। आपके वो आपके इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा बार चूज़ करते हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट भी है, जो रेड कलर है उस पर उसके अनुसार आप उसे ग्रेडियंट भी दे सकते हैं रेड कलर ही। ये रिवर्स में है और ये इंक्रीज में, और ये आइकॉन सेट आप आइकॉन भी डाल सकते हैं, यानी कि कितना परसेंट ऊपर जा रहा है कितना नीचे। तो देखिए 25,000 मीन्स ये डाउनवर्ड है, 35,000 में ये नियरली 40,000 के पास जा रहा है, और ये 40,000 में एटमोस्ट टॉप का लेवल है। तो इस तरह से आप यूज़र को अगर समझ में आए टेबल आपका तो इसलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा के आइकॉन है ये ओके। और आपको रूल क्लियर करने तो सिंपली आप क्लियर रूल कर देना है, क्लियर रूल सिलेक्टेड सेल्स, तो ये एज इट इज़ जैसे अगर पहले था वैसा हो जाएगा। उसके बाद है फॉर्मेट एज टेबल, आप टेबल को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, उसके अनुसार उसे आप कलर भी दे सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे अगर सिलेक्ट करता हूँ तो ये ऐसा आ जाएगा, देख सकते हैं आप जेब्रा क्रॉस में आ गए। ये नेम इसमें अगर आप शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं A to Z, तो ये देखिए A to Z शॉर्ट हो गए, फिर D फिर R और फिर S। आप रिवर्स यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसे शॉर्ट कर सकते हैं, कलर के अनुसार भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये एडवांस का पार्ट है, ये हम रहने देते हैं, एज इट इज़ कर देता। आप हेडिंग को भी ब्लैक कलर दे सकते हैं। देखिए जो भी हेडिंग थे आपके टेबल की जो हेडिंग थे उन्हें ऑटोमेटिकली कलर ले लेगा। और इसमें बहुत सारा के डिफरेंट डिफरेंट कलर है, आपकी अगर आपके नेसेसिटी के अनुसार आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी लाइट कलर है, डार्क कलर है, मीडियम कलर है। तो ये देखिए ये जो पहला जो सबसे ये जो पहला कॉलम है ये लाइट का है, दूसरा है जो ये मीडियम का है, तीसरा और ये है डार्क का है। तो इसी तरह से आप टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। सेल की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं कि जो सेल है वो कैसे होने चाहिए, वो बैड गुड न्यूट्रल। अब यहाँ पे लाइव देख रहे होंगे ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन पे लेके जाता हूँ तो ये ऐसा चेंज हो जाता है, ऐसा ग्रेडियंट भी हो सकता है, लीनियर उसका परसेंटेज भी ओके। तो ये जो सब है ये सिर्फ आपके जो क्लाइंट है उनका ध्यान उनको अट्रैक्ट करने के लिए होता है। इसके बाद दूसरा मेन्यू है उसका नाम है सेल,
सेल में है इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। इंसर्ट में हम इंसर्ट सेल भी कर सकते हैं, इंसर्ट शीट रो भी कर सकते हैं, कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं और कोई शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप आपको सेल इंसर्ट करना है, तो मानो कि हम मुझे ये जो नेम है इसके नीचे सेल इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस इंसर्ट पे जाऊँगा, इंसर्ट सेल पे क्लिक करूँगा और शिफ्ट सेल डाउन यानी कि जो नीचे वाला है हम उसे नीचे एक सेल ऐड करना है। तो हम नीचे भी ऐड कर सकते हैं, ऊपर भी ऐड कर सकते हैं, पूरा रो भी ऐड कर सकते हैं और पूरा कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ यहाँ पे एक सेल ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट डाउन सेल पे क्लिक कर देता हूँ, ओके क्लिक प्रेस कर देता हूँ। देखिए तो ये इसके जो नीचे उसके आ जाएगा आपका जो नेम, यहाँ पे इसने एक सेल ऐड कर दिया है। रो ने ऐड की, सिर्फ एक सेल ऐड किया है, रो ऐड की होती तो ये पूरा का पूरा लाइन ब्लैंक होता। आपको अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ पूछिए, मैं पूरा प्रयास करूँगा। ये इंसर्ट सेट तो ये सेल तो हो गया, अब डिलीट है। आपको अगर डिलीट करना है सेल तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, यानी कि हमने जो सेल पहले ऐड किया था यहाँ पे, वन सेकेंड, तो ये जो सेल हमने पहले ऐड किया था अगर इसे हमें डिलीट करना है तो सिलेक्ट कर देना है और डिलीट कर देना है, ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। किसी सेल को फॉर्मेट करना है तो हम उसकी हाइट भी बढ़ा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे जो सेल है इसकी हाइट अगर हमें बढ़ानी है तो हम यहाँ पे 14.4 है तो हमें 20 कर देते हैं, ओके इसकी जो हाइट है वो बढ़ गई। आप यहाँ से भी सिंपली कर सकते हैं, इसकी हाइट देखिए, ओके आप उसको ऑटो फिट रो भी कर सकते हैं, यानी कि वो उस रो के हिसाब से ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। इसके बाद कॉलम की वीड कितनी होनी चाहिए ये भी आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 20, तो ये इतनी हो गई। मैं यहाँ से भी कस्टमाइज़ कर सकता हूँ सिंपली, कॉलम की वीड, ऑटो फिट कॉलम वीड, ये ऑटोमेटिकली फिर इसके जो आपके एलिमेंट में आपके सेल में जो कंटेंट है उसके हिसाब से ये उसकी पोजीशन ले लेगा, फिट हो जाएगा उस सेल में। आप किसी रो को हाइट भी कर सकते हैं, तो मान लीजिए मुझे ये जो रो है उसे हाइट करना है, तो मैं यहाँ पे हाइट पे हाइड एंड अनहाइड में जाऊँगा और हाइट रो पे क्लिक कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पे जो रो थी वो हाइड हो चुकी है। अगर आपको इसे रिवेल करना है तो सिंपली अनहाइड रोज कर देना है, तो सभी जो रोज आपने हाइट की थी वो अनहाइड हो जाएंगी। तो ये थे कुछ इसमें सेल के बारे में, विजिबिलिटी के बारे में। और ऑर्गेनाइज शीट में आप जाएंगे तो ये जो शीट वन है यहाँ पे इसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रोजेक्ट वन, ये तो ये जो मेरी ये मेरी शीट का नाम है। शीट के नेम को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं शीट को, अगर आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको शीट अगर कॉपी करनी है तो कॉपी भी कर सकते हैं। ये टैब के कलर है, ये प्रोटेक्शन, आपकी शीट को लॉक भी कर सकते हैं और उसके कॉलम को भी लॉक कर सकते हैं। तो इसमें लॉक सेल, इस सेल को आप लॉक कर सकते हैं, जो मैंने सिलेक्टेड सेल किया है इसे आप लॉक कर दीजिए। किसी पर्टिकुलर सेल को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो ये जो है ये एडवांस का पार्ट है, हम इसे रहने देते हैं अभी के लिए। इसके बाद आता है एडिटिंग का ऑप्शन। एडिटिंग में है समेशन, दूसरा है फिल, तीसरा है इरेज, क्लियर। तो देखिए अगर आपको ये जो वैल्यू है इनकी समेशन निकालनी है विदाउट काउंट किए, तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए, इसकी जो समेशन है वो यहाँ पे आ जाएंगी। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सम, तो इसकी ये सम यहाँ पे आ गई। आप यहाँ पे अलग अलग फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, उसका एवरेज निकाल सकते हैं, उनका नंबर काउंट कर सकते हैं वो कितने हैं, उस सब उसमें की उस सिलेक्टेड वैल्यू में की सबसे मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इन जनरल हम प्रैक्टिकली देखते हैं, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे देखनी है। अगर हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें इसमें
जाना है और मैक्स पे क्लिक कर देना है। तो इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 40,000। ओके, तो ये फंक्शन है, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। एवरेज भी, काउंट भी, मैक्सिमम मिनिमम आपको समझ में आ रहा होगा। अब डाउन में भी फिल कर सकते हैं। तो देखिए, सबके जो नीचे के जो वैल्यू है वो पहले के वैल्यू की ज़रा कॉपी हो जाएंगे, यानी कि रिप्लेस हो जाएंगे। आप नीचे से ऊपर भी उसे कर सकते हैं। एक मिनट, तो अगर हमें नीचे तो 40,000 आ जाएंगे सबकी वैल्यू, अभी हाइड हो गई। आप कॉलम क्लियर कर सकते हैं, कमेंट जो है आप कमेंट भी क्लियर कर सकते हैं, उसमें का जो कंटेंट है वो उसे भी आप वैनिश कर सकते हैं। अब उसके उसमें आप अगर कोई कमेंट देते हैं, यानी कि आप यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट कमेंट डालते हैं। मैं यहाँ पे डालूँगा माय कमेंट, तो मैंने यहाँ पे माय कमेंट डाल दी। तो जब भी मैं सेल पे क्लिक करूँगा या होवर करूँगा तो यहाँ पे माय कमेंट ऐसा जो मेरी कमेंट है वो आ जाएंगी। अगर हमें कमेंट रिमूव करनी है तो हम यहाँ पे जाके क्लियर कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो कमेंट है वो रिमूव हो चुकी है। और ये शॉर्ट का ऑप्शन है, शॉर्ट एंड फिल का। आप इसे ए टू जेड या जेड टू ए शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने के लिए देखिए आप ए टू जेड, ये पूरे ए टू जेड शॉर्ट हो गए। आप जेड टू ए भी शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट हो गए। कस्टम शॉर्ट भी कर सकते हैं। पूरे शीट में अगर आपको कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसे आप फाइंड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फाइंड क्लिक कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ये फाइंड करूँगा, फाइंड ऑल। तो ये मुझे एक यहाँ पे एंट्री मिल गई है, ये देखिए बुक का नेम, प्रोजेक्ट, उस शीट का नेम, उस सेल का जो लोकेशन है वो भी यहाँ पे C8। तो C8 पे आप देखिए C8 यहाँ पे इसकी लोकेशन है, आपको ये बता देगा। आपको किसी वैल्यू को रिप्लेस करना है तो हम इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये जो सेल है मैंने सिलेक्टेड किया हुआ है, उसे अगर उस नेम को हमें रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फाइंड ऑल एंड रिप्लेस। तो यहाँ पे देखिए ये जो नेम था ये यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। ये तो एक वैल्यू हो गई। अगर कोई सिमिलर वैल्यू होंगी तो उसे भी हम चेंज कर सकते हैं। अब ये गो टू, आपको अगर किसी पर्टिकुलर सेल में जाना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे C6 में जाना है, C6 यानी इस सेल में जाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करूँगा C6 और ओके क्लिक कर दूँगा। सॉरी, ये जो है ये कैपिटल चाहिए C6, यानी ओके क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप C6 पे आ जाएंगे। सर मैंने वहाँ पे कॉलन दे दिया था इसलिए तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। अब आप मान लीजिए कि मुझे D9 पे जाना है, यानी कि इस मैक्स वैल्यू पे जाना है, तो मैं क्या क्लिक करूँगा D9 ओके क्लिक कर दूँगा, तो हमारा सेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था कुछ फाइंड एंड सेलेक्ट के बारे में, और इसमें और भी फार्मूलेस, कमेंट, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप इसे यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपने प्रैक्टिस की या नहीं, तो मैं इस पर आपको डेडिकेटेड वीडियो एक बना के दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको मिलता हूँ मैं अगले लेक्चर में। सो बाय फॉर नाउ।